गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सेफ। माय सेल्फ अंकुर कुमार कांडपाल। तो कल हमने रिवीजन किया था जो अपना फार्मास्यूटिक्स के टॉपिक में, तो आज हम ओवरव्यू करेंगे फार्माकोग्नोसी, जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी। हमारा जो है फार्माको दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला जो है हमारा फार्माको, जिसका मीन्स होता है क्रूड ड्रग, और जो हमारा सेकेंड है ग्नोसिस, उसका मीन्स है नॉलेज। तो हमारा क्या, जो भी क्रूड ड्रग हमें जो भी हमें मिलता है प्लांट से, उसके बारे में जो भी हम स्टडी करेंगे वो किसके अंदर करेंगे, फार्माकोग्नोसी के अंदर करेंगे। बात करते हैं हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की, फार्माकोग्नोसी क्या है हमारा। मैंने आपको पहले बताया फार्माकोग्नोसी हमारा है क्रूड ड्रग, जो हमें हमारी प्लांट से या एनिमल से हमें जो क्रूड ड्रग मिलती है उसका स्टडी करते हैं कहाँ कहाँ से मिलती है। तो हमें सबसे पहले क्या, ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, जो हमें क्या है प्लांट पेड़ पौधों से जो भी हमें ड्रग्स मिलती है वो कैसे मिलती है, उसका स्टडी हम किसके अंदर करेंगे, फार्माकोग्नोसी के अंदर। दूसरा हमारा है ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, तो एनिमल्स का क्या है, बहुत सारे हमें एनिमल्स के ग्लैंड से मिल सकता है, उसकी बॉडी से मिल सकता है, ठीक है। वो सब जो हमें ड्रग्स मिलेंगी वो हमें ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। तो थर्ड हमारा आता है ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, तो मिनरल्स क्या, जैसे हमारा चौक हो गया, केओलिन हो गया, अपना ये सारा क्या हमारा बेंटोनाइट हो गया, जितने भी हमारे क्या मिनरल्स हैं उससे हमें किस प्रकार से ड्रग्स प्राप्त हो सकती है, तो हम किसके अंदर पढ़ेंगे, ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स। देन हमारा आता है अदर सब्सटेंसेस, तो ये अदर सब्सटेंसेस हमारा क्या, जैसे हमारा कॉटन हो गया, सिल्क वूल हो गया, और ये जितने भी हमारे क्या है अदर सब्सटेंसेस हैं, इनसे जो भी हमें ड्रग प्राप्त होती है तो वो हम किसके अंदर पढ़ेंगे, अदर सब्सटेंसेस फार्माकोग्नोसी के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ड्रग, ड्रग की हमारी, तो ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस है जो किस लिए यूज़ किया जाता है, किसी भी बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए, और डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए। तो हमारा ड्रग क्या है, ऐसा सब्सटेंस है जो यूज किया जाता है किसी भी बीमारी को डायग्नोज करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, और उसके कॉज को रिड्यूस करने के लिए। तो सबसे पहले हमारा क्या है, जो भी हमारा प्लांट से हमें जो है ड्रग मिलती है, तो कौन कौन से पार्ट से मिल सकती है हमें, प्लांट के जो भी पार्ट्स होंगे, प्लांट के क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं आपके, सबसे पहले स्टेम हो गया, तना, देन उसके बार्क, मतलब उसके बाहर की छाल, देन फ्लावर, फूल्स, रूट्स हो गया, हमारा लीव्स हो गया, ठीक है, और पूरा एंटायर प्लांट से। तो ये हमारा क्या है, एंटायर प्लांट। तो जो भी हमें ड्रग होगी हमारी क्यू ड्रग फार्माकोग्नोसी में, जो हम अध्ययन कर रहे हैं प्लांट के इस पार्ट से, हमें वो ड्रग मिल सकती है। ड्रग हमें स्टेम से मिल सकती है, तने से मिल सकती है, बार्क मतलब बाहर के छाल से मिल सकती है, फ्लावर से, फूल से मिल सकती है, पेटल्स मतलब पत्तियों से मिल सकती है, उसके रूट्स से मतलब जड़ से मिल सकती है, लीव्स से मिल सकती है, पत्तियों से मिल सकती है, एंटायर प्लांट और पूरे प्लांट से मिल सकती है। देन उसके बाद कर लेते हैं हम ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, जो हमें क्या है एनिमल से जो भी हमें ड्रग्स प्राप्त होंगी, तो कैसे कैसे, कुछ हो गया हमारा हार्मोन, देन हो गया हमारा एंजाइम, तो ये सब हमारे क्या ड्रग्स हैं जो हमारे क्या बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो हार्मोन्स में हमारा आ गया थायराइड हार्मोन हो गया, इंसुलिन आ गया, ऑक्सीटोसिन आ गया, और वैसोप्रेसिन आ गया। ये हमारा क्या हार्मोन्स हैं जो क्या है बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत नेसेसरी हैं। उसके बाद हमारा एंजाइम आ गया, जिसके अंदर क्या है पेप्सिन और रेनिन, रेनिन हमारा क्या है मिल्क कर्डिंग एंजाइम है। देन हम उसके बाद बात करते हैं फार्मास्यूटिकल एड की, तो फार्मास्यूटिकल एड क्या है, हमारी कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होती है तो उसको हेल्प जो बनाने के लिए जो भी हमें चाहिए, तो उसके लिए क्या है हमारा फार्मास्यूटिकल एड है। तो फार्मास्यूटिकल एड हमारा सिंपली क्या है, जो हमें हेल्प करता है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को बनाने के लिए। तो ये एसेस क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, इनका क्या है इनएक्टिव होते हैं, लेकिन इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को बनाने के लिए। तो इसको हम सबसे पहले डिफाइन कर सकते हैं, ये हमारा मिनरल हो सकता है फार्मास्यूटिकल एड में, ठीक है, प्लांट से हो सकता है हमारा, और एनिमल से हो सकता है, और अदर्स हो सकता है। ये हमारे चार टाइप्स के फार्मास्यूटिकल एड्स हो सकते हैं जो क्या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बात कर लेते हैं ड्रग इवोल्यूशन की, ड्रग इवोल्यूशन क्या है कि हमें ड्रग को इवोल्यूट करना है, तो ड्रग इवोल्यूशन हम किस किस बेस पे कर सकते हैं, उसकी आइडेंटिटी, प्योरिटी और क्वालिटी के बेस पे। तो आइडेंटिटी हम कैसे प्राप्त पता करेंगे कि बायोलॉजिकल सोर्स और उसका क्या ओरिजिन क्या है, उसके बाद हम क्वालिटी पता करेंगे, तो क्वालिटी को पता करने के लिए हमें उसका क्या है उसमें जो एक्टिव कॉन्स्टेंट है उसको पता करेंगे, ठीक है। हमारा क्या सबसे पहले आता है आइडेंटिटी, देन तुम्हारा हमारा है क्वालिटी, थर्ड है हमारा प्योरिटी। तो ये तीन हमारे क्या है पैरामीटर थे जिससे हम क्या है अपने ड्रग को इवेल्यूएट करते हैं। सबसे पहले हमारा आइडेंटिटी आता है कि आइडेंटिटी हमारा क्या, उसमें हमें क्या पता करना है बायोलॉजिकल सोर्स पता करना है, उस ड्रग का ओरिजिन कहाँ से, हमें क्या प्लांट ओरिजिनेटेड है, एनिमल ओरिजिनेटेड है,
कि अदर सब्सटेंस से ऑरिजिनेटेड है, जहाँ से हमें मिल रही है तो हमें क्या पता होना चाहिए कि वो उसका ओरिजिन सोर्स क्या है। उसके बाद हमें क्या है क्वालिटी, क्वालिटी में क्या है हमारा कि वो हमारे पे एक्टिव कॉन्स्टेंट प्रेजेंट है कि नहीं है उस ड्रग में जो हमें रिक्वायर्ड है एक्शन के लिए। थर्ड हमारा था प्योरिटी, प्योरिटी कैसे प्राप्त करते हैं हम, प्योरिटी कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा क्या है उसमें कोई फॉरेन पार्टिकल नहीं होना चाहिए, फॉरेन मतलब जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है वो वाला पार्टिकल नहीं होना चाहिए, तो हमारा क्या है प्योरिटी। ये तीन पैरामीटर्स हमारे किसके लिए हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रग एवोल्यूशन। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हम कैसे कैसे ड्रग एवोल्यूट कर लेंगे, किस किस बेस पे कर लेंगे, कि हम क्या आइडेंटिटी उसकी पता करनी है, प्योरिटी पता करनी है, क्वालिटी पता करनी है। तो सबसे पहले हम पता करेंगे ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये हमारी ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज जो हैं उसके बेस पर हम पता करेंगे, ड्रग एवोल्यूट करेंगे कैसी ड्रग है। देन हमारा क्या है माइक्रोस्कोपिकल, माइक्रोस्कोपिकल मतलब विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, ओके। देन हमारा थर्ड आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फोर्थ हमारा आता है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, थर्ड हमारा फिफ्थ आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये हमें क्या है, ये वाली सारी प्रॉपर्टीज से हम क्या पता करेंगे, अपना ड्रग एवोल्यूट करेंगे। तो ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज में हमारा क्या आता है, जैसे किसी भी ड्रग का टेस्ट हो गया, ऑर्डर हो गया, ठीक है, कलर हो गया, उसका मॉर्फोलॉजी जो क्या है हमें, उससे हमें पता लग जाएगा, ड्रग को एवोल्यूट कर लेंगे हम कि हमारी ड्रग कैसी है। देन सेकेंड आता है माइक्रोस्कोपिकल प्रॉपर्टीज, कि माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम देखेंगे उसको क्या हम करेंगे, TS काटेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे हम, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे उस ड्रग को एवोल्यूट करेंगे। थर्ड हमारा आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल मतलब उसका अपीयरेंस कैसा है, ठीक है, अपीयरेंस कैसा है, हार्ड है, कैसी है, है ना, उसका कलर कैसा है, ये सब हम किसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे। देन बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि हम क्या है बॉडी में उसका प्रैक्टिकल करेंगे कि हमें जो भी उसके बाद अनुभव होगा पूरा क्या बॉडी का चेंज हमें पता लगेगा, तो उसके हम क्या है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज से हम पता कर सकते हैं, ड्रग को इवेल्यूट कर सकते हैं क्या कौन सी ड्रग है। देन उसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टीज, विद द हेल्प ऑफ केमिकल से हम क्या ड्रग को इवेल्यूट कर सकते हैं कि हमारी ड्रग किस टाइप्स की है। तो अब हम बात कर लेते हैं केमिकल नेचर ऑफ ड्रग्स ऑब्टेंड फ्रॉम द प्लांट्स, तो हमें जो भी हमें प्लांट से जो भी मिलेगी ड्रग उसका केमिकल नेचर हमें पता होना चाहिए। तो केमिकल नेचर में हमारा क्या आता है कार्बोहाइड्रेट हो गया, एल्कलॉइड हो गया, ग्लाइकोसाइड्स हो गया, टर्पिनोइड्स हो गया, वोलाटाइल ऑयल हो गया, टैनिंस और लिपिड्स। तो ये क्या हमें सारे जो भी हमें प्लांट से ऑब्टेंड जो भी ड्रग्स होगी उसमें क्या केमिकल नेचर हमें जो भी हम पढ़ेंगे वो इसे फार्माकोग्नोसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारी कैटेगरी है लैक्सेटिव्स। लैक्सेटिव मीन्स क्या होता है हमारा जो भी हमारा क्या है कॉन्स्टिपेशन, जो भी हमारे क्या है स्टमक में जो भी हमारी कॉन्स्टिपेशन मीन्स कब्ज, कब्ज की भी जो भी प्रॉब्लम होगी, तो कौन कौन सी ड्रग्स हमें हर्बल जो उसमें यूज होती हैं, कौन कौन सी ड्रग्स जो यूज होंगी उसकी फार्माकोग्नोसी पूरी पड़ेंगे। फार्माकोग्नोसी में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं उसमें, उसका क्या है बायोलॉजिकल सोर्स, बोटैनिकल नेम, ठीक है, केमिकल टेस्ट, उसके अंदर केमिकल कॉन्स्टेंट कौन कौन से हैं, क्या क्या यूजेस होते हैं, है ना, तो ये सब क्या है उसका ज्योग्राफिकल सोर्स जो भी हम क्या है इसमें पढ़ा जाएगा। देन अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कार्डियोटॉनिक्स, कार्डियोटॉनिक मतलब जो हमारा पूरा हार्ट में इफेक्ट करते हैं, तो हमारा क्या है हार्ट बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है। तो उसके बाद क्या है जो भी हमारी हर्बल ड्रग्स होंगी, जो क्या है हर्बल ड्रग्स होंगी जो भी हमारा हार्ट पे वर्क करेंगी, तो हम क्या है उसको कार्डियोटॉनिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उसमें हमारी मेनली क्या जाती है डिजिटलिस और अर्जुना, तो सेम हम क्या है इसकी पूरी फार्माकोग्नोसी पढ़ेंगे कि इसका क्या है बायोलॉजिकल नेम क्या है, बॉटनिकल नेम्स, सिनोनियम क्या है इसका, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसका, ठीक है, केमिकल सोर्स कहाँ कहाँ पे इसको उत्पत्ति मतलब इंडिया में या पूरे देश में कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसका यूजेस क्या क्या है, तो सारा इसमें हम किस में पढ़ेंगे कार्डियोटॉनिक्स में पढ़ेंगे। देन उसके बाद हमारा थर्ड रहता है कार्मिनेटिव्स एंड GI रेगुलेटर्स, तो कार्मिनेटिव्स क्या है हमारा जो भी हमारे पेट में गैस हो जाती है, तो गैस की प्रॉब्लम मेनली बहुत लोगों को होती है, तो हमारा क्या है कार्मिनेटिव्स के अंदर आते हैं जैसे कोरिएंडर हो गया मीन्स धनिया, फेनल मीन्स सौंफ, अजवाइन, जिंजर, लो कार्डन, सो ये ऐसी ड्रग्स हैं जो क्या हमारा कार्मिनेटिव्स की तरह वर्क करती हैं, जो क्या है गैस को कम करती हैं। तो हम क्या क्या यूज कर सकते हैं ये वाली ड्रग्स हम कार्मिनेटिव्स की तरह यूज कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट आता है हमारा एस्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट मतलब जो क्या हमारा ऐसे सब्सटेंस जो प्रोटीन प्रेसिपिटेट का वर्क करते हैं उसके अंदर हमारा कटैच आता है। तो हम कैसे कैसे सेम उसी की तरह फार्माकोग्नोसी इसमें पढ़ेंगे कि इसका क्या है बायोलॉजिकल सोर्स हो गया, बॉटनिकल नेम हो गया, कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसका यूजेस, केमिकल कॉन्स्टेंट, ये सब हम किस में पढ़ेंगे एस्ट्रिंजेंट में पढ़ेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम,
तो हमारा क्या नर्वस सिस्टम, जो आपको पता ही है पूरा ह्यूमन बॉडी क्या है, एक नर्वस सिस्टम है। उसमें क्या नर्वस सिस्टम हमारे भी दो पार्ट्स होते हैं नर्वस सिस्टम के। पहला हमारा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट्स होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, उस पर भी जो भी हमारी ड्रग्स होंगी, हर्बल ड्रग्स होंगी, तो वो एक्ट करेंगी। तो उसमें कौन कौन से आती है, हमारी हाइवसाइमस आती है, बेलाडोना आती है, एकोनाइट हो गया हमारा, अश्वगंधा हो गया हमारा, एफेड्रा हो गया हमारा, ओपियम हो गया, कैनाबिस। तो ये क्या है, सारी जो भी ड्रग्स हैं कहाँ पे एक्ट करती है, नर्वस सिस्टम पे। तो ये क्या करती हैं, पूरी बॉडी को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। फिर हमारा उसके बाद नेक्स्ट आती है ड्रग कैटेगरी एंटी हाइपरटेंसिव की। एंटी हाइपरटेंसिव मतलब क्या है, किसी भी चीज़ का बढ़ जाना, तो उसको हम क्या करेंगे, उसका रोकने के लिए हम उसको ये वाली रोलफेयर ड्रग देंगे। तो एंटी हाइपरटेंसिव क्या है, जिस सिंपली ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, जिसका भी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो उसको हम कौन से ड्रग देते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव। तो रोलफेयर इस कैटेगरी में आता है, तो इसको हम पूरा फार्माकोवैलेंसी पढ़ेंगे। हमारी अगली कैटेगरी है एंटी टसिव। एंटी टसिव जैसे टसिव मीन्स क्या होता है, जो हमें क्या है कफ से रिलेवेंट होता है, जो हमारी कफ की प्रॉब्लम होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, उसको रिलीफ करने के लिए हम क्या देते हैं, एंटी टसिव। तो इसकी कैटेगरी में तो हमारी ड्रग्स आती हैं वसाका, तुलसी, तो ये ड्रग्स हैं। उसके बाद थर्ड नंबर आता है एंटी रोमेटिक कैटेगरी। एंटी रोमेटिक कैटेगरी क्या, हमारी ऐसी कैटेगरी ड्रग आती है इसमें गूगल और कोल्चियम, जो हमारा क्या जोड़ों में जॉइंट्स में जो भी प्रॉब्लम होती हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए एंटी रोमेटिक ड्रग्स देते हैं, जिसके अंदर है गूगल और कोल्चिकम। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं एंटी डायबिटिक कैटेगरी की। तो एंटी डायबिटिक क्या है, जो क्या है डायबिटीज़ को कम करने के लिए जो भी हम ड्रग्स करेंगे फार्माकोग्नोसी में यूज करेंगे, वो है पेट्रोकार्पेट और जिम्नियम। देन हमारी नेक्स्ट आती है एंटी मलेरियल कैटेगरी। इसमें क्या है, जो हमारी ड्रग है सिंकोना, तो इसका सिंपली हम इसका पूरा फार्माकोग्नोसी पढ़ेंगे, उसका क्या है बोटानिकल नेम क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, कहाँ से हमें मिलती है, ओरिजिन क्या है, किस पार्ट से मिलती है प्लांट के, तो ये सब हम पढ़ेंगे। देन हमारा ऑक्सीटोसिन, इसमें आता है हमारा अर्गोट। ऑक्सीटोसिन क्या है, हमारा क्या है जो भी हमारी बॉडी में हमारी जो भी वेसल्स हैं उसको रिलैक्सेशन करने के लिए जो भी हमें ड्रग चाहिए होगी, वो उस कैटेगरी में आता है हमारा अर्गोट। देन हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है विटामिन्स। विटामिन्स हमारा क्या है, जो बॉडी में इसेंशियल पार्ट प्ले करती है, उसके अंदर हमारा है शार्क लीवर ऑयल और आंवला। फिर हमारा नेक्स्ट है हमारा एंजाइम्स। एंजाइम हमारे क्या बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, तो इसके अंदर हमारी क्या ड्रग्स है, पपाया हो गया, डायस्टेज हो गया और ईस्ट। तो ये हम सब क्या है, इन सब की फार्माकोग्नोसी इसके अंदर पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने फार्माकोग्नोसी में जो भी यूनिट्स थी उसका ओवरव्यू किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।